वेलकम टू एस पॉइंट पीसीएस। मैं अमरजीत प्रसाद। आज है 26 जून। 26 जून से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं उनका डिस्कशन इस सेशन में करेंगे। इसका पीडीएफ लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल एस पॉइंट पीसीएस पे उपलब्ध है, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष 25 जून को मनाया जाने वाला डे ऑफ द सीफरर्स का विषय क्या है? 25 जून डे ऑफ द सीफरर्स दिवस मनाया जाता है। सीफरर्स का मतलब होता है नाविक, ठीक है। तो इस बार का जो विषय है वो है सीफरर्स आर की वर्कर्स, ठीक है। सीफरर्स आर की वर्कर्स इस वर्ष का विषय है। यह जो 2020 में मनाया जा रहा है वो इसका 10वीं वर्षगांठ है। पहली बार यह 2011 में IMO द्वारा मनाया गया था। यहाँ पे बता दें कि डे ऑफ सीफरर्स यानी जो नाविक होते हैं वो देश के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि परिवहन माल की ढुलाई जो होती है वो समुद्र मार्ग से बहुत अधिक मात्रा में होती है। इसमें जो समुद्री परिवहन का संचालन जो करते हैं तो इनके सम्मान के लिए, क्योंकि इनका योगदान महत्वपूर्ण होता है, तो इस कारण इनके योगदान के लिए प्रत्येक वर्ष डे ऑफ द सीफरर्स मनाया जाता है। यह IMO के द्वारा मनाया जाता है। IMO का फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। इसकी स्थापना 17 मार्च 1948 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय लंदन में है तथा वर्तमान में महासचिव किटैक लिम है, ठीक है। प्रश्न संख्या दो, हाल ही में किस देश ने चीन, वियतनाम और कोरिया से कुछ विशिष्ट प्रकार के इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो हाल ही में भारत सरकार ने, तो भारत ने चीन, वियतनाम और कोरिया से कुछ विशिष्ट प्रकार के इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की है। एंटी डंपिंग ड्यूटीज क्या होता है? जैसे मान लीजिए चीन से कोई सामान भारत आ रही है, ठीक है, उसकी कीमत भारत में 100 रुपया है, ठीक है। वही सामान भारत में बिक्री है, उसकी भी कीमत क्या है? 100 रुपया है। अब अगर एंटी डंपिंग शुल्क उस पर 10 रुपया लगा दिया गया तो अब चीन का जो सामान भारत में आ रहा है उसका कीमत हो गया 110 रुपया, वहीं भारत की जो सामान 100 रुपया है वो 100 रुपया में ही बिकेगी। तो अब क्या है कि जो चीन से आ रही है उसकी कीमत अधिक होने के कारण जो है वो यहाँ की जो घरेलू मार्केट है उसमें उसकी बिक्री कम हो जाएगी, यानी 9 के बराबर होगी, जबकि यहाँ की जो प्रोडक्ट्स है उसका अधिक मात्रा में बिक्री होगी। तो इसी कारण एंटी डंपिंग शुल्क लगाया जाता है और यह जो शुल्क लगाया जा रहा है इन देशों पर यह 5 वर्षों के लिए लगाया जा रहा है और इसकी दरें जो होगी वो 73 यानी $13 प्रति टन से $173 प्रति तक टन तक हो सकता है। प्रश्न संख्या तीन, संयुक्त राष्ट्र ने विश्व लोक सेवा दिवस पर संयुक्त राष्ट्र के पैनल चर्चा के लिए निमंत्रण भेजकर किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया है, ठीक है। विश्व लोक सेवा दिवस पर संयुक्त राष्ट्र ने केरल के स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा को सम्मानित किया है। यहाँ पे विश्व लोक सेवा दिवस के बारे में बता दें, ये प्रत्येक वर्ष
जून को मनाया जाता है। जो सार्वजनिक स्थल है तथा सार्वजनिक जो उद्देश्य है उसके सम्मान के लिए, जो सार्वजनिक क्षेत्रों की रक्षा करते हैं उनके सम्मान के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 23 जून को। तो केरल के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा, उनको यह सम्मान राज्य में महामारी यानी कोरोना महामारी से निपटने के लिए जो रणनीति है उनके बारे में इन्होंने बताया, जिसके लिए इन्हें यह सम्मान प्रदान किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 4, सरकार ने कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है। हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? कुशीनगर यह उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर है। और हाल ही में यह इस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे घोषित किया गया है। कुशीनगर के बारे में बता दें, कुशीनगर यह बुद्ध महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ शहर है। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। तो इस कारण जो कुशीनगर है वो विश्व पर्यटन पर स्थापित है, क्योंकि विश्व के विभिन्न भागों से यहाँ पे बौद्ध धर्मावली लोग आते हैं। तो इस कारण कुशीनगर जो है वो बौद्ध धर्म के लिए एक तीर्थस्थल के रूप में उभरा है। प्रश्न संख्या 5, किस राष्ट्र की हिंद महासागर में अस्थाई सैन्य आधार स्थापित करने की योजना है? तो ईरान, ठीक है। ईरान ने मार्च 2021 तक हिंद महासागर में अस्थाई सैन्य आधार स्थापित करेगा। प्रश्न संख्या 6, पश्चिम बंगाल ने अपना तालाबंदी कब तक बढ़ा दिया? पश्चिम बंगाल जो है वो जुलाई 31 तक, ठीक है, 31 जुलाई तक वो तालाबंदी बढ़ा दी है। प्रश्न संख्या 7, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ कौन करेगा? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज यानी 26 जून को किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है यानी इस अभियान का रोजगार प्रदान करना, स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए औद्योगिक संघों और अन्य संगठनों के साथ साझेदारी करने पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह जो अभियान है उसका शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे। बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। प्रश्न संख्या 8, ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप को कौन लॉन्च करेगा? ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च करेंगे। हम बता दें कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ई ब्लड सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया। यह जो मोबाइल ऐप है इसके जरिए रक्त की आवश्यकता के बारे में अनुरोध भेजे जाने के बाद रेड क्रॉस मुख्यालय के ई रक्त कोष डैशबोर्ड पर यह दिखाई देने लगता है, जिससे निश्चित समय में सुनिश्चित डिलीवरी प्राप्त की जा सकती है। इससे जहां रक्त लेने वाले को आसानी होती है, वहीं रक्त बैंकों में एक ही स्थान पर सारी सुविधाओं की पूरी पारदर्शिता से प्राप्त की जा सकती है। तो यह इसका इम्पोर्टेंस है ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप। इस पर कार्य 2015 से ही चल रहा था। प्रश्न संख्या 7, कैबिनेट ने रोहिणी आयोग के कार्यकाल में विस्तार को कब तक मंजूरी दी?
रोहिणी आयोग के कार्यकाल को जनवरी 2021 तक यानी 6 महीने के लिए इसका विस्तार किया गया है। अब यहाँ पे रोहिणी आयोग के बारे में बता दें, रोहिणी एक जस्टिस का नाम था, उसी के अध्यक्षता के कारण इसका जो नाम पड़ा वो रोहिणी आयोग पड़ा। रोहिणी आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग के उप वर्गीकरण के मुद्दे की जांच कर रही है। यहाँ पे बता दें कि वर्तमान में ओबीसी के में 27% आरक्षण दिया जाता है, जिसमें कि सभी समुदाय के लोग आते हैं, इसमें कोई उप वर्गीकरण नहीं है। लेकिन रोहिणी आयोग के द्वारा क्या है कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी जो है उसके उप वर्गीकरण के मुद्दे की ये जांच करेगा और उसमें ये बताएगा कि किसको किस उप वर्गीकरण में रखा जाए। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो विस्तार किया गया है वो 6 महीने के लिए किया गया है और यह इसका 9वां विस्तार होगा। ठीक है, पहले 8 बार इसे विस्तार किया जा चुका है और इस बार का 9वां विस्तार है। प्रश्न संख्या 8, अमेरिका के अनुसार कौन सा राष्ट्र आतंकवादी समूहों के लिए सुनिश्चित सुरक्षित पनाह का बना हुए हैं? तो पाकिस्तान सही आंसर है। प्रश्न संख्या 9, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हाल ही में किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई? तो इस्लामाबाद में जो है वो पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई, इसका नाम श्री कृष्ण मंदिर है। ठीक है, श्री कृष्ण मंदिर, ये मैं बता दें कि श्री कृष्ण मंदिर जो नामकरण किया गया है, जो यह नाम रखा गया है वो इस्लामाबाद हिंदू पंचायत के द्वारा रखा गया है। इस मंदिर के लिए 2017 में ही जमीन आवंटित कर दी गई थी। इस पे 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपया खर्च आएगा। प्रश्न संख्या 10, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु कर्ज श्रेणी के अंतर्गत आने वाले छोटी राशि का कर्ज ले रहे करदाताओं को कितने प्रतिशत ब्याज सहायता देने की मंजूरी दी है? कुल 2%। ठीक है, मुद्रा योजना के बारे में बता दें, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। इसके तहत 10 लाख रुपए तक का कर्ज लघु एवं वित्तीय उद्योगों को चलाने के लिए दिया जाता है। यहाँ पे इसे 3 कैटेगरी में लोन प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कि पहला है शिशु लोन, इसके अंतर्गत 50,000 रुपये दिए जाते हैं और यह स्टार्टअप और फर्स्ट टाइम इंटरप्रेन्योर के लिए दिया जाता है। वहीं दूसरे कैटेगरी में किशोर वर्ग को दिया जाता है, जिसमें कि 50,000 से 5 लाख तक की राशि इसमें प्रोवाइड की जाती है। वहीं तीसरे कैटेगरी में तरुण लोन, इसमें तरुण लोगों को 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के लोन्स दिए जाते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तो ये 3 कैटेगरी में मुद्रा योजना के तहत लोन प्रोवाइड की जाती है। प्रश्न संख्या 11, पारिवारिक 9 वर्ष का त्यौहार आषाढ़ी बीज भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आषाढ़ी बीज जो है यह त्यौहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 12, विश्व बैंक द्वारा जारी नई क्रय शक्ति क्षमताओं यानी पीपीपी के अनुसार पीपीपी के संदर्भ में एक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है? तो भारत को जो है वो 3रा स्थान प्राप्त है पीपीपी के यानी परचेजिंग पावर पैरिटी में। ठीक है, तो जो क्रय शक्ति समानता है उसमें भारत को 3रा स्थान मिला है। पहले स्थान पे चीन, दूसरे स्थान पे अमेरिका है। ठीक है, तो भारत की जो जीडीपी में
यानी ग्लोबल जीडीपी में जो हिस्सेदारी है वो 6.7% है। इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं दुनिया की कुल 1,19,547 अरब डॉलर में की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 8,051 अरब डॉलर रही। ठीक है, वहीं अगर बात करें चीन की हिस्सेदारी की तो इसका ग्लोबल जीडीपी में 16.4% का भागीदारी है। और इस तरह से यह पीपीपी के जो व्यवस्था है उसमें इसका पहला स्थान है, वही अमेरिका 16.3% के साथ दूसरे स्थान पे है। ठीक है, और भारत तीसरे स्थान पे 6.7%। यहाँ पे देखिए जीडीपी में कितना का अंतर है। ठीक है, कहाँ 16.3 अमेरिका के हैं और उसके बाद डायरेक्ट 6.7 आ जाता है। प्रश्न संख्या 13, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ONGC विदेश लिमिटेड द्वारा किस देश में स्थित स्वे ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट के लिए 121.27 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी है। ठीक है, तो जो स्वे ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट है यह म्यांमार देश में स्थित है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। ठीक है, भारत का एक पड़ोसी देश। प्रश्न संख्या 14, 233 साल पुराने इतिहास में मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब यानी MCC की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है। ठीक है, तो ये 233 साल पुराने इतिहास में पहली बार जो महिला अध्यक्ष बनी है MCC की वो क्लेयर कोनोर। ठीक है, क्लेयर कोनोर ये हैं, क्लेयर कोनोर ये इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेट कप्तान रह चुकी हैं। ठीक है, तो आज के लेसन में इतना ही। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।